क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैना शेख है। जैना, ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, जी सर, इसको कैसे देखती हैं और क्या, क्योंकि आप भी फुटबॉल प्लेयर हैं, जी सर, तो आपके लिए कितना अहमियत रखता है? सर, जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और सर, हम चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में हमारा देश भी खेले। और सर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सर, मेरा फेवरेट नेमार है सर, और मैं ब्राज़ील टीम को सपोर्ट करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर, रोशन मौर्य। रोशन मौर्य, जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, कैसे देखते हैं और क्या आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? सर, हमारे नज़र में इसकी अहमियत है सर, हम लोगों को काफ़ी गेम में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप से ये जो छोटे बच्चों कोच ना होने के कारण वो अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, कि हम कुछ सीख सकते हैं देख के। सर, स्टडी जैसे एक तरह का, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मैसी हैं, ये इनको खेलते हुए देखते हुए आप क्या, आपके ऊपर किस तरह का असर डालते हैं? सर, हम लोगों के ऊपर असर आता है कि इनकी बॉडी फिटनेस, स्किल, सर अच्छी पावर, हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है देखते कि हाँ सर, हर बॉल हर जगह पे, कौन सी जगह पे कैसी बॉल फिट करनी है, सर उन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है सर। कन्हैया भाई, जिस तरीके से आप जुड़े रहे हैं फुटबॉल में, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हिंदुस्तान में फुटबॉल का क्रेज़ ज़रूर है लेकिन फुटबॉल में देश ऊपर तक नहीं जा पा रहा, बड़े खिलाड़ी नहीं आ पा रहे, खुद कई अच्छी पोजीशन पर नहीं जा पा रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय फुटबॉल संघ जो है, उसका कोई, और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भी इस तरह का मैप नहीं तैयार है खिलाड़ियों के लिए, जिससे कि हिंदुस्तान की टीम आगे बढ़ सके। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये इम्प्लीमेंट किया है एज बाउंड, जब तक आप 12 साल के बच्चे को अपनी एकेडमी में या अपने हॉस्टल में नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जो फॉरेन के कोचेज़ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है बिल्ट और स्टेमिना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो भारतवर्ष में खेला गया, उसमें 6 महीने के अंदर हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट कमी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, आपके असम में है, यूपी में है, दिल्ली में है, वेस्ट इंडिया में, सब जगह, कलकत्ता में है, गोवा में है, लेकिन उन बच्चों को एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है, उनको सही तरह से छड़ा। खेलो इंडिया के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक खेल चलाया और एक टूर्नामेंट उन्होंने कराया खेलो इंडिया के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसको कि SSB ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें टैलेंट छाँटा गया, लेकिन टैलेंट को छाँटने के बाद खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी खेल विभाग की ऐसी नीति नहीं है कि बच्चों को सही, एक तो हम उनको कोचिंग नहीं दे पाते हैं, दूसरा उनकी डाइट नहीं दे पाते। फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है, भारत भले ही उसके अंदर टीम में ना हो, लेकिन भारत के अंदर फुटबॉल को लेकर जुनून जो है वो कम नहीं है। भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि उनका खिलाड़ी या उनका देश फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेले, उनके लिए तो बस सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखनी है, फुटबॉल का खेल आगे बढ़े। इमरान अहमद, ETV, लखनऊ।